अब्बा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं बहुत परेशान हूँ, धान का बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन बुवाई का वक्त तो आ गया है। मुझे मालूम है, लेकिन उधार के सिवा कोई चारा नहीं। दुकानदार का पहले ही बहुत उधार। अच्छा, फिर तो शायद मुझे गांव में काम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अम्मा तो गई हुई है, मैं रानी को किसके पास छोड़ूंगी? लेकिन मीना स्कूल छोड़ दे, हम ये भी तो नहीं चाहते। छोड़ दे? ओ नहीं, मुझे स्कूल से ना उठाना। मैं भी ये नहीं चाहता, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी तो नहीं है। अच्छा, मैं दुकानदार के पास जाता हूँ। हम भी चलेंगे साथ। आठ सौ, नौ सौ, 1,000, अरे बड़े पैसे आ गए मेरे पास। कहो भाई, कैसे आना हुआ? तुम्हें तो पता है बवाई का मौसम आ गया है, मैं धान के बीज की बोरी उधार लेना चाहता हूँ। अरे तुम तो पहले ही काफी उधार ले चुके हो। हाँ हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी पाई पाई अदा कर दूंगा। लेकिन तुम्हें इस रकम के लिए इस कागज पर अंगूठा लगाना है। ठीक है, ठहरो जरा, मैं अपने खाते में तो लिख लूं। या जी, ये बीज के पैसे और सूद वगैरह मिलाकर कुल 800 रुपए हो गए। ये सारे पैसे तुम्हें फसल पर देने होंगे। अंगूठा इधर लाओ। हाँ, ये यहाँ अपना अंगूठा लगा दो। ओ अब्बा रुको, देखो तो इसमें 800 रुपए नहीं बल्कि 1,800 रुपए लिख रखे हैं। अरे क्या वाकई? आजकल मुझे सही नजर नहीं आता, छोटी सी भूल हो गई। छोटी सी भूल? 1,000 कट गया, अब तो ठीक है ना? हाँ, 800 रुपए। हाँ, शायद तुम स्कूल जाती हो। हाँ, मीना स्कूल में बहुत सी काम की बातें सीख रही है। अच्छा भाई, चलते हैं, खुदा हाफिज। तुमने बड़ी होशियारी से दुकानदार की चालाकी को पकड़ लिया। अल्लाह करे कि हम उसका पैसा वक्त पर वापस कर सकें, ताकि तुम्हारी माँ को काम के लिए ना जाना पड़े। वरना तो क्या मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, है ना? मीना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें स्कूल ना छोड़ना पड़े। अब तो फिर हम क्या करेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो क्या होता है। खुदाफिज प्यारे बच्चों, खुदाफिज। क्या हुआ मीना, तुम इतनी उदास क्यों? शायद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ओ नहीं, तुम ये क्यों कह रही हो? तेरी माँ को शायद काम के लिए बाहर जाना पड़े, फिर मुझे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है, मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहती। तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए, तालीम बहुत जरूरी है। मैं क्या कर सकती हूँ? चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलूं और तुम्हारे माँ बाप से बात करूं। तुम्हें काम के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम घर रहकर भी काम शुरू कर सकती हो। आजकल तो ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज देते हैं। हमें क्या करना होगा? पहले आपस में मशवरा कर लो, जब ये तय कर लो कि क्या काम करना है, फिर हम कर्ज के लिए दरख्वास्त लिख देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि इन इदारों से कर्जा हासिल करना बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है, ये इतना आसान नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो फिर हम कौन सा काम शुरू करें? एक साइकिल खरीद लेते हैं। ओ राजू, कपड़े सीने की मशीन ना ले लें? गांव में पहले ही बहुत से लोग कपड़े सी रहे हैं। हाँ ये बात तो है। एक गाय ना खरीद लें, फिर हम उसका दूध फरोख्त कर सकते हैं। हाँ ये हुई ना काम की बात। काम की बात? हम लाल रंग की गाय खरीदेंगे। तुम्हें लाल रंग बहुत पसंद है। हाँ राजू, शहर में दूध बेचने के लिए हमें एक साइकिल भी तो खरीदनी पड़ेगी ना। अल्लाह करे माँ को कर्जा मिल जाए। पैसे, पैसे, हमें पैसे मिल गए। क्या तुम्हें भी पैसे मिले हैं? नहीं, हमारी माँ को कर्जा मिला है। यकीन नहीं आता, सूद तो बहुत ही कम है और कर्जा वापस करने के लिए पूरा साल पड़ा है। Thank you.
साइकिल भी चला रही हो और क्या क्या करोगी? ये इधर क्या हो रहा है? मेरी माँ ने गाय खरीदी है, अब वो इसका दूध बेचेगी। औरतों को पैसों का मामला मर्दों पे छोड़ देना चाहिए। छोटी सी भूल कबख्त तोता, मेरा नाम बिट्टू है। कान खोल के सुन लो तुम, अगर इस महीने के आखिरी दिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरा कर्जा अदा ना किया तो मैं तुम्हारी गाय और बछड़ा खोल के ले जाऊंगा और इस बदतमीज तोते को ले जाके किसी सर्कस वाले को बेच दूंगा। ऐसा नहीं, याद रखना सूरज गुरूब होने से पहले पहले। ये है आज का दूध, लाओ शहर जाके मैं इसे बेचाऊं। ठीक नहीं है, बुखार बढ़ रहा है। और हाँ, मुझे तो अब याद आया, दुकानदार ने शाम से पहले पैसे लेने भी आना है। मीनम ने कितने पैसे जमा कर लिए? 2, 4, 6 बैंक की किस्त और गाय का खर्चा निकाल कर हमारे पास 600 रुपए बचते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने स्कूल में पैसों का हिसाब सीख लिया है। हमें दुकानदार को देने के लिए 200 रुपए और चाहिए। हम इसे गाय, बछड़े और मिठू को नहीं ले जाने देंगे। हमारे कुछ पैसे दूध वाले की तरफ हैं, लेकिन मैं कैसे जाऊं? क्यों ना मैं और राजू जाकर ले। अरे हाँ, तुम लोग चले जाओ। आओ राजू चले। मैं तुम्हारी गाय, बछड़ा और तोता लेने के लिए आया हूँ। जरा रुक जाओ, पैसे आ रहे हैं। नहीं, सूरज डूब गया, अब मैं जानवर लेकर ही जाऊँगा। मुन्ना हमें देर हो रही है, तेज चलाओ और तेज। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ भाई, वो तोता किधर है? है ना, सूरज डूबने को है, हमें बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो मिच्छू, ये पैसे माँ को पहुँचा दो। चलो भाई। ठहरो, ये लो अपने पैसे। ये पैसे कहाँ से आ गए? ये हमने दूध परोख करके जमा किए हैं। औरत और कारोबार, ये कुछ अच्छा नहीं है। क्यों? हमें तो कारोबार में बहुत फायदा हुआ है। मीना और उसकी माँ ने मिलकर ये सब किया, अब मुझे पैसे उधार लेने के लिए तुम्हारे पास नहीं आना पड़ेगा। तो ये सब मीना का किया धरा है, ये स्कूल जाकर कुछ ज्यादा ही सीख रही है। छोटी सी भूल, मैं जा रहा हूँ, अब छोड़। मीना, अब तो तुम स्कूल बिल्कुल नहीं छोड़ोगी, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ भाई मिच्छू,